हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू शिक्षा तो गाइस एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का पार्ट थर्टी फाइव डिस्कस करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट अच्छा कुछ बच्चों को शायद ऐसा लग रहा हो कि सर करंट अफेयर के अंदर भी स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं बेटा बिल्कुल होते हैं और आपको क्या लग रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर रोज इतना कुछ हो रहा है कि दस क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन उसमें से बन जाए बट अल्टीमेटली ये स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं ना ये करंट डिराइव्ड होते हैं ठीक है यानी कि कोई करंट हैपनिंग है उससे रिलेटेड हम स्टैटिक क्वेश्चन डाल देते हैं नहीं तो ऐसा कुछ रोजमर्रा में कुछ फैक्ट्स एग्रीकल्चर में थोड़ी घटेंगे कि आपके लिए रोज उतने क्वेश्चन आ जाए है ना तो करंट डिराइड होते हैं और पेपर के अंदर भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स ऑलरेडी दो हजार से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कोई भी आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हो तो ये मस्ट हैव कोर्स है आपके लिए मस्ट हैव कोर्स है

ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव दर्बन मोनोक्साइड मिथेन पी एच एंड वॉलिटाइल ऑर्गेनिक कम्पाउंड ये सब जो है आपके रिलीज होते हैं स्टबल बर्निंग की वजह से ठीक है जी तो ये आपने अच्छे से याद रखना है सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट अ स्कीम तो यहाँ पर एक बड़ी सी स्कीम आपको गिवन है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज अ स्कीम ऑफ विथ स्टेट गवर्नमेंट तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जो वुमेन इन एग्रीकल्चर की एम्पावरमेंट और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एंटरप्रन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है ऑप्शन ए ओडिशा बी मध्य प्रदेश सी उत्तर प्रदेश टी पंजाब ई नन ऑफ दब वॉज डायरेक्टली इन न्यूज गाइस एंड यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए ओडिशा ओडिशा गवर्नमेंट की ये बेसिकली स्कीम है ये जो स्कीम है ये न्यूज में क्यों थी क्योंकि ओडिशा सरकार ने अभी इस स्कीम के लिए थ्री सिक्स सेवन वन पॉइंट वन नाइन करोड़ रुपीज अप्रूव किए हैं ओडिशा के कैबिनेट ने और ये जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी आ, विद ऑब्जेक्टिव कि मशरूम प्रोडक्शन को डबल किया जाए ओडिशा स्टेट के अंदर एंड एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा उसके लिए अंडर मशरूम कल्टीवेशन जो स्पेसिफिकली वुमेन बेनिफिशरीज और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करेगा ठीक है तो यहाँ पर यह मशरूम भी ध्यान में रखना वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो स्कीम है ओडिशा सरकार की एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रीनियरशिप फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये किस क्रॉप के एरिया या किस क्रॉप की प्रोडक्शन को डबल करने का टारगेट रखती है ठीक है नीचे चार पांच ऑप्शंस दे देगा उसमें से आपका आंसर मशरूम हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए थर्ड क्वेश्चन है कि किस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर के एक एमओ साइन किया है जिसके तहत कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि कृषि डीएसएस को डेवलप किया जाएगा ओके okay, किस डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर ये आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की एमओ यू साइन किया है ऑप्शन में है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर एंड नन ऑफ दी अब देखो ये सारे करंट के क्वेश्चंस जो होते हैं ना इनमें तुक्का लगाने का कोई फायदा नहीं होता या तो पढ़े हुए तो ही आंसर होते हैं ये। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल बी द राइट आंसर तो कृषि डीएसएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये जो बेसिकली कृषि क्री, डीएसएस है इसको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जाएगा और इससे बेसिकली एग्रीकल्चर जो स्टेक होल्डर्स हैं स्पेशली फार्मर्स उनकी कैपेबिलिटी इंप्रूव की जाएगी ताकि वो एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें जैसे एविडेंस बेस्ड डिसीजन क्या हो गया कि यार आपको फर्टिलाइजर यूज करने हैं तो फर्टिलाइजर कितने यूज करने हैं वो आपको रिक्वायरमेंट पता है या नहीं पता है ठीक है आपको अगर पेस्टिसाइड यूज करने हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता है या नहीं पता है तो वो सब टेक्नोलॉजी का यूज करके एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करने के लिए ये कृषि डीएसएस जो है इसको डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर आ फोर्थ अभी ना रिसेंटली डिजिटल इंडिया अवार्ड्स अनाउंस हुए थे अब ये सारे अवार्ड्स अपने को एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करने की जरूरत नहीं है स्पेशली अगर आई बी पी की बात करूं लेकिन एक अवार्ड बड़ा खास था इस बार जिसको हम प्लेटिनम आइकन अवार्ड बोलते हैं ये मिला था डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज होती है एक कैटेगरी होती है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजेंस डिजिटल तो एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन के अंदर प्लेटिनम एक होता है प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर ऐसे अवार्ड अवार्ड होते हैं हर कैटेगरी में तो प्लेटिनम सबसे अच्छे वाला होता है सबसे टॉप वाला तो प्लेटिनम अवार्ड आइकन अवार्ड किसको मिला था डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी के अंदर ऑप्शन है ई अकबरी पी किसान ई नैम माइन मित्रा या नन ऑफ दी अव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईबीपीएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है द राइट आंसर गाइज ओवर इज ई नैम जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का पोर्टल है उसको बेसिकली यहां पर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजेंस कैटेगरी के अंदर प्लेटिनम आइकन अवार्ड मिला था ठीक है ई नैम के बारे में डिटेल्स हम किसी स्टैटिक uh, वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अभी आगे चलेंगे नबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं दिसंबर 2022 में उन्होंने चार्ज भी ले लिया तो हु हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ नबार्ड ऑप्शन में सुचेंद्र मिश्रा राजीव लक्ष्मण के एम कृष्ण शाजी केवी नन ऑफ दी अबव सो पर आपका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी शाजी केवी बहुत ज्यादा करंट अफेयर अगर आप देखते हो तो उसमें क्या होगा ना शाजी केवी का क्या पास था ये था वो था कोई नहीं पूछता पेपर के अंदर नाम याद रख लो शाजी केवी बहुत है ठीक है अब बस आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आ, शाजी केवी ने किसकी जगह पर अभी ये चार्ज लिया है ठीक है वो भी थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए तो वो कमेंट में बताओ मुझे ऑप्शन सिक्स सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है नेफेड न्यूज में था इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला है नेफेड का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है ए बेंगलोर बी मुंबई सी न्यू डेली डी गुरुग्राम इन बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है एंड द राइट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन सी न्यू डेली तो नेफेड की अगर हम बात करें तो बेसिकली मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और बेसिकली कॉपरेटिव मार्केटिंग प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था करंट डायरेक्टर यानी कि एमडी इसके हैं राजबीर सिंह पनवर सेकेंड अक्टूबर 1958 को ये फॉर्म हुआ था गांधी जयंती के दिन एंड हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ देर इज अ एंटरप्राइज कॉल्ड एबीआईएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने ना एक एग्रीमेंट साइन किया है सोलह मिलियन यूएसडी का आपको बताना है कि ये एग्रीमेंट किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है एग्रीमेंट का मकसद क्या है फिश फार्मिंग को सपोर्ट करना इंडिया के अंदर तो एबीआईएस और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये 16 यूएसडी मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक बी एशियन डेवलपमेंट बैंक सी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या ई e, ये जो डी 16 मिलियन की वैल्यू है ना इसको भी याद रख लेना कई बार पूछ लेता है ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ साइन किया है इसको भी याद रखना है वो दूसरे तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझ रहे हो ना यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है और बेसिकली इस एग्रीमेंट के अंदर ना माइक्रो फिश फीड प्लांट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा माइक्रो जो बेसिकली फिश फीडिंग होती है और फार्मर्स को ट्रेन भी किया जाएगा माइक्रो फिश फीड इसीलिए ताकि फिशिंग को और ज्यादा यहाँ पर एनकरेज किया जा सके जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी कंट्री की प्रमोट करेगा ओके okay? एट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैबिडेट डिसीजन आया था दिसंबर 2022 में जिसके तहत कैबिनेट में तय किया गया कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वैसे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आपको जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो एक कॉस्ट पे प्रोवाइड किए जाते तीन रुपए दो रूपये एक रुपए इस तरीके से बट यहां पर यह डिसाइड किया गया कि अगले एक साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे तो कितनी क्वांटिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी पांच किलो सात किलो दस किलो बारह किलो या फिर none of the above. यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है फाइव केजीस तो बेसिकली इसके पीछे कहानी क्या है इसको समझ लो तो सरकार ने कहा कि हम जितने भी बेनिफिशरीज आते हैं ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अराउंड 81 करोड़ बेनिफिशरीज आते हैं उनको हम पूरे 2023 के अंदर हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे वैसे तो तीन रुपए हम राइस के लेते हैं किलो के दो किलो के दो रुपए लेते हैं वीट के एक रुपए किलो लेते हैं कोर्स सीरियल का बट हम इसको फ्री में देंगे क्यों सरकार कहती है कि देखो हम ना प्रधानमंत्री कल, गरीब कल्याण योजना को खत्म कर रहे हैं इस गरीब कल्याण योजना के अंडर क्या था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो पांच किलो मिलता ही था इन प्राइसिस के ऊपर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना फ्री में पांच किलो प्रोवाइड करती थी एडिशनल ठीक है इस पांच किलो के एडिशनल फ्री में प्रोवाइड करती थी तो अब सरकार इसको बंद कर रही है तो सरकार कह रही है कि यार एकदम से नेगेटिव इंपैक्ट ना आ जाए लोगों के ऊपर इसीलिए हम एक साल के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर तीन रुपए दो रुपए और एक रुपये में प्रोवाइड करते थे वो हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना वाला जो पांच किलो फ्री का था उसको हम खत्म कर देंगे ठीक है क्लियर तो ये बेसिकली यहां पर सारी कहानी है क्वेश्चन क्वेश्चन पे आ जाओ सिंपल सा फैक्चुअल है आरबीआई ने कुछ डाटा रिलीज किया था दिसंबर के मंथ में उसके हिसाब से नवंबर 2022 में ईयर ऑन ईयर ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक ठीक है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ कितनी हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ का क्या मतलब है कि कितना पैसा एडिशनल बैंकों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और ज्यादा पैसा ले रहा है बैंकों से इसको अच्छा कंसीडर किया जाता है बैंक्स की ग्रोथ के लिए देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी की क्रेडिट ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिली बस ये फैक्ट है छोटा सा याद रखेंगे आप ओके चलिए तो दिस वॉज इट गाइस नाइन क्वेश्चन में हमें डिस्कस करने थे एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड आई होप की क्विकली आई एम एबल टू कवर इट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कि कुछ चीज आपको ना समझ में आई हो फिर भी अगर आ, कोई चीज रह गई हो या कुछ चीज ना समझ आई हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच टेलीग्राम है व्हाट्सएप है मेल है कमेंट है जैसे मर्जी आप कॉन्टैक्ट करो मुझसे ठीक है कोई इशू नहीं है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड बिफोर गोइंग आउट ऑफ द वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें चलिए टेक केयर